हाँ तो गाइस अभी मैं थोड़ा मस्ती कर रहा हूँ अपनी दादी के साथ। आप लोग जरूर देखना, जो भी लोग अगर पहले से WWE देखते या फिर थोड़ा भी कुछ मालूम होगा आप लोगों को जॉन सीना के बारे में, तो आज मैंने दादी को सिखाया। दादी भी बहुत बड़ी फैन है। तो गाइस अभी देखना WWE अबे जॉन सीना। ठीक है, समझ गया। जॉन सीना दुकान से मिल। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस स्वागत है, और आप लोग देख पा रहे हैं मतलब मुस्कुरा रहा हूँ। हाँ तो गाइस अभी यहाँ पर हमारी पढ़ाई शुरू होने वाली है। तुम्हारा भाई आज पढ़ाई करने वाला है। ओहो 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 भाई, ये कौन सा दिन आ गया, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। वही वाह भाई वाह। तो गाइस मंडे से एग्जाम है, आज सैटरडे है, दो दिन बाद मेरी एग्जाम है, और दो दिन पहले ये टॉपर रेडी होने वाला है झंडे काटने के लिए सभी जगह पे। दोस्त से अभी मैं वही बात कर रहा था कि कौन से चैप्टर्स आने वाले है। EM वाला है, टोटल 5 पेपर्स है। मंडे से लेकर फ्राइडे तक एग्जाम चलेगी, और मंडे से फ्राइडे तक मेरे को मालूम नहीं है कि मैं व्लॉग कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। वैसे देखते क्या करना है। वैसे मैं दो बार तो ट्यूशन जाऊंगा, एक बार कॉलेज, कंटेंट तो निकाल ही पाऊंगा, कुछ ना कुछ तो कंटेंट निकालना पड़ेगा भाई। लेट्स गो गाइस, अभी पढ़ाई करने बैठ जाता हूँ मैं। चाय भाई पी लेते अभी, फिर मैं आप सभी लोगों से मिलता हूँ। तो गाइस अपनी यहाँ पर चाय बन रही है, वाह भाई वाह, पूरे फैमिली मेंबर्स के लिए यहाँ पर। यार मैं अभी देख रहा था वाइड एंगल में थोड़ा क्लियरिटी डाउन हो रही है, मतलब बाकी जो नॉर्मल एंगल में जब हम देखते हैं ना 1x में, तब तो भाई बहुत ही सही क्लियर आता है। यार देखते हैं क्या करना है, यार वाइड एंगल में ज्यादा मजा आता है, बट थोड़ा ज्यादा धूप होता है ना तब भाई एक नंबर दिखता है भाई वीडियो में। घर में अंदर थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम होता है ना, तो थोड़ा वाइड एंगल में थोड़ा सा ग्रीन आते है कॉर्नर में, तो उसका थोड़ा देखना पड़ेगा। और सो गाइस अगर किसी ने अभी मेरा मम्मी का वो बर्थडे सेलिब्रेशन वाला वीडियो व्लॉग नहीं देखा ना, तो गाइस एक बार जरूर देखना। सबसे बड़ा वाला व्लॉग अपलोड किया ना वो था ऑलमोस्ट 12 से 13 GB का व्लॉग था, और पता नहीं यार यूट्यूब में ऐसा क्या ग्लिच हो रहा था मेरे साथ। मैं जब अपलोड कर रहा था ना, अपलोड तो हो गया था ठीक है, तब मेरे साथ पता नहीं क्या स्कैम हो गया, कि पता नहीं क्या कुछ ग्लिच चल रहा है यूट्यूब का तब, कि मैंने 7 बजे वीडियो अपलोड कर दिया था ठीक है, 10 बजे अपलोड हुआ वीडियो। बताओ जो प्रिपेयरिंग वाला ऑप्शन होता है ना, प्रिपेयरिंग वाला, वो एटलीस्ट भाई साहब 3 घंटा चला, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10। भाई मैं सोच रहा हूँ भाई मैं 7 बजे आजकल व्लॉग अपलोड, मैं आजकल भाई कॉलेज और वो सब चल रहा था ना, ट्यूशन 2 बार फिर एक बार कॉलेज, उसमें ना मैं 9:30 के बाद फ्री होता हूँ, मैं तब अपलोड करता था व्लॉग 9:30 में। भाई उस दिन तो 10 से ऊपर हो गया भाई, मैंने सोचा कि चलो यार फिर बर्थडे व्लॉग अपलोड ही नहीं करता हूँ, आज अपलोड किया मैंने, कल अपलोड करना चाहिए था। 2 hours later। तो गाइस अभी मैंने फाइनली यहाँ पर थोड़ी पढ़ाई कर ली है, बस पास हो जाए इतने पास हो जाए बस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गाइस अभी 9 बज चुके हैं, और मेरे को भूख लगी है, और मैं और मम्मी सामने खाना खाने जा रहे हैं, और एक यहाँ पर मैंने एक बार मस्त सी डिश यहाँ पर अच्छी सी बना रहे, वो गुजराती ही बना रहे भाई, मतलब इतना मस्त बनाते हैं ना, पता नहीं क्या डालते हैं वो, क्या बोलते हैं भाई फूड ब्लॉगर्स में होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, हमारा घर का सीक्रेट मसाला ऐसा लग रहा है मेरे को। तो गाइस उसके लिए अभी चलो गाठिया का कुछ शाक बनाते हैं भाई, नेक्स्ट लेवल सच में, तो मेरे को भी वो खाने का, तो मैं और मम्मी एक साथ जा रहे हैं वो लेने के लिए। मम्मी तुम चलाने वाली हो ना गाड़ी, तुमको आती है ना सीखने, ना मैं सिखाऊंगा मस्त वाली भाई। एक दिन मम्मी ने ट्राई किया था भाई, गाड़ी का फुल रेस दे दिया मैं और मैं घुस जाती भाई। एक बार मैं और मेरा भाई और आंटी, हम 3 लोग थे, 3 लोग ने ट्राई किया, मम्मी ने बोला मम्मी को थोड़ा सा रेस देने का, मम्मी ने फुल रेस दे दिया गाड़ी ऐसे। हो अब क्या बात कर रहे हो, चलो ठीक है चलो अभी क्या भाई, कैमरा फोकस नहीं कर रहा है, ओ बाप रे कितने सारे लोग है भाई इधर, तो भाई लोग देख रहे हो तुम लोग, अरे भाई चलो, उन्होंने बोला कि थोड़ा टाइम लगेगा, मैंने सोचा कि चलो कुछ
और कुछ खा के आते हैं, घर वालों के लिए ले रहे हैं, तब तक के लिए कुछ छोटा मोटा नाश्ता करके आते हैं। चलो गाइस। तो गाइस हमने सोचा कि चलो यार पानी पूरी खा के आते हैं, मजा आने वाला है, थोड़ी पानी पूरी खाने आए हैं भाई। नाश्ता मेरा मन हो गया, मैंने बोला कि चलो यार इतनी देर भाई, वहाँ पर कम से कम 10 लोगों का वेटिंग चल रहा था जहाँ पर हम खाने लेने गए थे ना, तो हमने सोची चलो यार पानी पूरी खाते थोड़ी देर, पानी पूरी खा के आते एक प्लेट। और तो गाइस यहाँ पर मैं पानी पूरी खा लिए भाई, क्या ही जबरदस्त बनाई है भाई अंकल ने, भाई नेक्स्ट लेवल में, सही बताऊँ ना तो भाई हेड्स ऑफ भाई, बंदे ने इतना भाई बहुत सही बनाई है, मैं इतनी तारीफ क्यों करूँ, मेरे को बहुत अच्छी लगी इस बार, और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी अच्छी होगी, तो बहुत ही अच्छी बनी है। तो गाइस चलो अभी मैं चलता हूँ घर का खाना लेने के लिए। ये तो बीच में नाश्ता का प्रोग्राम बन गया, मम्मी चल रहे अभी, चलो फिर। तो गाइस फाइनली घर में पहुंच चुका हूँ, और ये टाइम देख रहे हो तुम लोग, 10:30 बज गए भाई, जब प्लान बना ना बाहर का खाना खाने के लिए तभी इतना लेट हो गया भाई, हम जब गए ना एक घंटे बाद आए हुए भाई, इतना टाइम लगा ना भाई, भाई ऑर्डर उनको इतना बड़ा बड़ा ऑर्डर आया था, 25-25 कितना था, 25-25 सब्जी का, फिर रोटी भाई साहब, मैंने बोला कि भाई एक घंटा गिन के रख लो भाई, हमारे से पहले 25-30 ऑर्डर आए थे, मैंने बोला भाई वेट करो क्या कर सकते हैं। तो गाइस मैं जो आप लोगों को सब्जी बता रहा था ये आ चुकी है गाठिया, भाई इतना मस्त सब्जी बनाते हैं ना, आज खा लेंगे, टाइम थोड़ा हो गया तो उसमें क्या हो गया है, कोई भी अगर ज्यादा टाइम लगता है, अगर आप रेस्टोरेंट में जाते हो कहीं भी, वो बोलते हैं कि थोड़ा समय थोड़ा टाइम लगेगा, तो फिर टाइम तो लगता है ना, क्या कर सकते हैं। मम्मी क्या बोल रहे तुम, उमर भाई मगर ऊपर बड़ा फूके थे, हाँ भाई वही तो भाई, वो रेस्टोरेंट चला रहे तो मतलब भाई वो कैसा, जैसे सामने से ऑर्डर आया उसका ऑर्डर बनाते रहते, पीछे से उनका बंदा सब इकट्ठा करने लगता है, पैकिंग करने लगता है, और उसके साथ वो कैलकुलेशन भी कर लेते भाई, सबका सुनो खाना बनाओ और कैलकुलेशन भी, सच में भाई इतना ज्यादा रश हो जाता है ना, तो यू हैव टू हैंडल ऑल द थिंग्स भाई, अमेजिंग, मजा आ गया। चलो तो गाइस अभी मैं थोड़ा मस्ती कर रहा हूँ अपनी दादी के साथ, आप लोग जरूर देखना, जो भी लोग अगर पहले से WWE देखते या फिर थोड़ा भी कुछ मालूम होगा आप लोगों को जॉन सीना के बारे में, तो आज मैंने दादी को सिखाया, दादी भी बहुत बड़ी फैन है जॉन सीना की, तो गाइस अभी देखना WWE अबे दादी कैसा लग रहा है आप लोग, अभी कल व्लॉग आएगा ना तब आपको दिखाएंगे, मैं को दादी को टीवी में दिखाऊंगा, मजा आ गया भाई। लेट्स गो।